नमस्ते मित्रों आर टीवी में सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में हम हरिंदा से ठाकुर हरेन ठाकुर जी से बात करेंगे मित्रों हम सब जानते हैं रामकिंकर बैज हमारे भारतीय कला क्षेत्र के एक दिग्गज कलाकार रह चुके ब्रिलियंट पेंटर ब्रिलियंट स्कल्प्टर एंड हमारे साथ जो आज जुड़े हैं हरेन ठाकुर हरेंदा वो उनके विद्यार्थी रह चुके हैं तो आज इस कार्यक्रम में इस एपिसोड में हम राम किंकरधा उनकी काम उनकी शैली जो थी या उनकी जो एक सोच कैसी थी हम जानेंगे हरेंद्र के मुकांतरम अब वेलकम हरेंद्र ठाकुर टू तो आर टीवी नमस्कार थैंक यू बसंत जी फॉर इनवाइटिंग मी इट्स अ प्लेजर इट्स अ प्लेजर दादा हम राम किंकर बैज के बारे में हम सुने वन ऑफ द एमिनेंट अटॉल पर्सनालिटी एक कला साधक जो हमारे भारतीय कला क्षेत्र में रह चुके हैं एंड uh, उनकी सोच उनकी कलाकृति जब मैं देखता हूं तो uh, उस उसमें बहुत जान है देर इज अल इन दैट उसमें हालांकि वो अभी नहीं है हमारे बीच लेकिन उनकी कलाकृति उनकी सोच बरकरार रहती है इसमें हम इस कार्यक्रम में आप उनके साथ रहे आपके अनुभव उनके साथ आप 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 उनको कैसा दृष्ट देखे हैं आप आपकी मूड आपकी फीलिंग उनके प्रति आपके अनुभव क्या क्या रहे हम वो जानना चाहते हैं एंड को फिर से एक बार आ, उनके सारे एक्सपीरियंसेस को आ, हम फ्रेश करना चाहते हैं इसमें राइट right? तो बताइए दादा आप तो किंकर के स्टूडेंट रहे आपने किंकरदा को देखा इसमें कैसा था वो वो दिन कैसे थे कैसा फीलिंग था वो हाँ थैंक यू वसंत जी आ, मेरा बहुत आ, पुराना यादगारी को आप सामने ला दिए हैं क्योंकि आजकल किंकरदा का बारे और उस जमाना का बारे जो भी आ, कलाकार का कैसा जीवन शैली था कि क्या आ, उन किस आ, जीवन से उलोक मतलब गुजरे है मतलब किस परिस्थिति में काम करते थे इसका बारे बहुत कम आ, कोई जानकारी लेने को ले मतलब आ, आगे आते हैं तो आ, हम लोग कभी कभी याद करते हैं जे उस समय 1970 टू 75 मेरा कला भवन का मतलब पढ़ाई का जो समय था गोल्डन पीरियड क्योंकि उस समय अः लकीली किंकरदा रिटायर कर गए थे लेकिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का तरफ से उनको एज ए इमेरिटस प्रोफेसर हिसाब से उनको ज्वाइन मतलब आ, आना जाना होता था आ, मतलब उनको इमेरिटस प्रोफेसर बनाया गया था एंड क्योंकि कला भवन का एक बड़ा अच्छा आ, एक क्या बोले एक मीठापन है कि कला भवन में जो पांच साल रह गया ना वो जिंदगी में कला भवन को छोड़ नहीं सकता है रिटायर करने का बावजूद भी वो एक दिन हर दिन एक बार ने, एक बार काला भवन में आकर के दर्शन करके जाते थे पुराने मित्रों से काला भवन अपना जहाँ काम करते थे स्टूडियो में घूम करके सबका बच्चों का काम देख करके जाते थे ये एक 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 बड़ा मधुर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का संपर्क था तो जो आजकल मुझे नहीं लगता है ये एक कोई भी टीचर रिटायर कर जाता है तो दोबारा उस यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज में आना जाना करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक हम लोग का अनुभव रहा तो फर, फर्स्ट ईयर में आ, किंकर्दा का बारे एक्चुअली शुरू में मेरा कुछ पता भी नहीं था किंकरदा तो किंकर्दा को तब पता चला एक छोटा सा मैं इंसिडेंट्स बताऊंगा इस सिलसिले में हम लोग फर्स्ट ईयर में बैठे हुए हैं हमारे बगल में कौशिक दा बैठे हैं सोमनाथ दा बैठे हैं साथ मेरा कुछ एक, आ, मतलब, को ले के कुछ मतलब एक टेक्निक बता रहे थे उस समय तो वहाँ कला भवन का एक कैंपस कला भवन कैंपस में एक बकुल गाछ है बकुल ट्री उसका नीचे बैठने का जो बेंच होता है वहीं पर सब आकर प्रोफेसर लोग आकर बैठते थे चाय पीते थे कुछ भी करते थे तो हम लोग बैठ करके हम भी थोड़ा दूरी में बैठे हुए क्योंकि टीचर्स लोग सब आगे बैठे हुए हम दूरी में बैठ करके कुछ एक प्लास्टर मॉडल का कुछ मतलब कुछ टेक्निक दिखा रहे थे mm. anyway, थोड़ा देर में देखे आ, अचानक हर कोई प्रोफेसर लोग जो भी बैठे हुए थे उसमें थोड़ा सा अलर्टनेस आ गया तो मुझे सब पता नहीं चला तो क्यों थोड़ा सा अलर्ट हो गया ये लोग अपना हंसी मजाक करते करते थोड़ा चुप हो गया दूर से महा तरफ देख रहा है गेट का तरफ से दे, देखे तो एक व्यक्ति आ रहा है व्यक्ति आ रहा है तब तो अब शर्बरीदा बोले वो किंकरदा आ रहा है तब पता चला हु किंकर जब अंदर में आने शुरू किया मतलब कैंपस में गेट क्रॉस करके जब आने लगे ये सब खड़े हो गए तो तब लगा जे कोई भी एक आ, पहले भी हम बता चुके हैं जंगल में जब शेर मतलब जो पशु का जो राजा जो होता है जो द किंग ऑफ द एनिमल्स वो जब आते हैं ना बाकी सब पशु अलर्ट हो जाते हैं जे राजा आ रहा है तो उस फीलिंग्स मेरा हुआ जे किंकर घुसने का, का बाद जे बाकी सब का जो मुंह थोड़ा सा एक, एक्टिविटी वो एकदम हाई अलर्ट हो गया समी इज कमिंग तो उसी में पता चला हुई इस किंकरदा मैं हमको दोबारा समझने नहीं पड़ा पता चला जे उनको बारे कुछ पूछने का नी वो anyway, किंकर आकर बैठे कुछ बातचीत हुआ उस सिलसिले में आ, और एक मजादार जो आ, हो सकता पहले भी बता भी चुके हैं जो आ, उनका आ, ये ये जानना बहुत जरूरी है सिंप्लिसिटी का एक बड़ा एग्जाम्पल का बारे मतलब आजकल का जेनरेशन को पता चल सकता है तो बैठ गया आते आते बात थोड़ा बातचीत हुआ होने के बाद सरबरीदा ने पूछा किंकरदा आपका घर जो है आपका घर तो रिनोवेशन हो रहा है नया नया बन रहा है तो उसका कौशिक दा बोले हाँ यूनिवर्सिटी का तरफ से तो कुछ अप्रूव हुआ है सैंक्शन हुआ है तो आपका जो ऊपर का जो रेच मतलब खड़ जो होता है मतलब पुआल का जो छत होता है वो टूट गया था बहुत दिन से रिपेयर नहीं हुआ था तो वो रिपेयर हो रहा है नया नया उसमें दट खड़ और बिचाली जो भी है पुआल उसको लगाया जा रहा है यूनिवर्सिटी का तरफ से तो किंकर तो आकर बोला बट सुन सुनने के बाद बोले अरे ये तो पता नहीं है तब कौशिक दा बोले बिकॉज ही वॉज द प्रिंसिपल दी देन तो प्रिंसिपल हाँ यूनिवर्सिटी का तरफ से आपका घर का रिपेयर का बारे मेरा पास भी खबर आया था जो रिपेयर होने जा रहा है तो किंकर दा तब बोले जे तो उन्होंने सोचने लगा कि इसीलिए क्या हुआ मुझे लग रहा था कुछ कुछ डाउट लग रहा था ये क्या हुआ ना नहीं हम बीच रात रात को मेरा नींद टूट गया अचानक रात को हम देखे मेरा बिस्तर में चांद का रोशनी कैसे पहुंच गया उनको ये पता नहीं है जो ऊपर का छत ऊपर में है ही नहीं और उन्होंने रा, रात में सो गए घर में अपना बेडरूम में oh my God. तब तब सोमनाथ बोले जी हस हंसने लगा अरे? तब रात में हम सोचने लगा मेरा बेड ने मेरा बिस्तर में चांदनी का चांदनी का रोशनी कैसे पहुंच रहा है तो तो पहले कभी नहीं था नहीं। तो, तब सब, ओ, दा और सोमनाथ लोग बोलने लगे कि मुझे हमको लग रहा है वो लोग क्या किया कि जो लेबर लोग यूनिवर्सिटी का तरफ से भेजा गया था वो लोग एक दिन काम करके गया काम करके अधूरा छोड़ दिया काम नेक्स्ट डे उनका बेडरूम का काम होगा इसलिए ऊपर का जो छत है उठा दिया अच्छा नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे करने को लिए नेक्स्ट डे अलॉटमेंट हुआ तो उस दिन किंकर को पता भी नहीं चला कि ऊपर में छत नहीं है किंकर बेड में सो गया तो उसी चांदनी का रोशनी ऊपर उनका बिस्तर पर मतलब आने लगा तब बोला पूरा रात हम सोने सो नहीं पाया बाद में सुबह सुबह सोचते सोचते मेरा सुबह हो गया तब सबको हंसने लगा तो बोला तब सबको हमको पता चला जो कितना सिंपल सिंपल लिविंग एक्सट्रीम सिंपलिसिटी है जो अपना लाइफ में कभी देखा भी नहीं अपना घर का ऊपर छाप है कि नहीं कुछ है ही नहीं जो अप आए अपना मतलब अपना सृष्टि का जो मतलब क्या बोले उसको क्रिएशन क्रे, है क्रिएशन का जो साधना है उस साधना में वो विलीन हो जाते थे अब पता भी नहीं इसलिए कभी कभी तब हमको लगा जे ये किंकरदा का अंदर में एक शिव शक्ति का जरूर एक क्वालिटी है जो भोले भालापन है जो कभी अपने में अपना वस्त्र का बारे अपना रहन सहन का बारे जो कभी ध्यान भी नहीं दिया वो अपना सृष्टि में चलते गया एक एक करके सृष्टि करते गए आप देखो ना देखो बिकॉज ही इज द रियल क्रिएटर रहन सहन का बारे कुछ कभी नहीं पता चला उनको मतलब कुछ ध्यान भी नहीं दिया उनपे ये दैट वॉज किंग कर ये एक बहुत बड़ा मेरा मेरा एक महसूस हुआ जो किंकर्ता कर्ता का लाइफस्टाइल क्या है सिंपल एक साट पहन करके और उसमें कुछ मतलब आ, कभी वही एक खाकी रंग का पैंट और एक एक वाइट शर्ट हमेशा हम लोग हर दिन यही ड्रेस में उनको देखते थे और माथा में एक तो ताल पत्ता का टोपी और और एक चीज जो बीड़ी पीते थे बहुत सो दैट वाज दैट वाज अ वेरी कॉमन उस समय थे टीचर्स और uh, मतलब सब बैठकर के बीड़ी का बड़ा मतलब स्वाद लेते थे उन लोग तो ये दैट वाज किंग करदा और आ, इस सिलसिले में आ और एक दो ओ, छोटा हम ये बताते हैं किंग करदा का आ, तब आ, एक दिन आ, हमारे एक प्रोफेसर डिजाइन के प्रोफेसर नोनीदा वो उनका क्लास आ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं थोड़ा देर हो रहा है सवेरे क्लास था डिजाइन का क्लास तो ननिदा आकर बोले अरे आज थोड़ा देर हो गया जानते हो क्या हुआ ननिदा एक स्टोरी बताया बड़ा स्टोरी yeah, really, yeah. बोला बोला आज क्या हुआ? नोनीदा, क्या हुआ हुआ मजादारोनिदा <coughs> का जो घर है नोनी गोपाल घोष उनका नाम है। <coughs> तो उनका घर और किंकर घर आसपास है तो <coughs> ननिदा क्या के सवेरे क्लास मतलब यूनिवर्सिटी आने का समय साइकिल से आते थे <coughs> किंकर घर का बाहर देखे जो कचड़ा फेंकता है ना दैट ऑल दो डस्टबिन जहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है उसमें डस्टबिन का सामने कुछ छोटा छोटा जो बच्चे होता है जो मतलब कोयला चुनते हैं मतलब दो कोल वहां से जो क्या बोलते हैं उसको राख और दैट से कोयला चुन करके उन लोग को मतलब रोटी रोजी होता है ये एक उस समय भी था अभी भी बहुत जगह में है तो छोटे बच्चे लोग कुछ वो कोयला चुनते चुनते उसमें कुछ ना वो लोग कागज और कुछ लोहे का मेटल का कुछ टोकरी में उठा रहा है तो नोनीदा का नजर गया तुरंत नोनीदा साइकिल से उतरा उतर कर बोला अरे ये दूसरे टाइप ऑफ कागज लग रहा है और कुछ मेटल का कुछ लग रहा है तो बोला देखे तो क्या है तो वो लोग खोल के उसमें कुछ मेडल्स रखा हुआ है और कुछ कागज कागज मतलब सर्टिफिकेट अरे बापरे सर्टिफिकेट रखा है का का में पड़ा हुआ है ओके तो ये अभी भी वो याद होता है कि क्या हुआ नोनिदा को पता चला उसका पहले दिन किंकर ने अपना घर को सफाई किया सफाई का साथ साथ जितने भी जो भी कुछ मेडल उडल है उसमें जो भी सर्टिफिकेट सब को बाहर कर दिया दिया फेंक किंकर तो आपका जो नोनीदा क्या किया वो जानते है अगर ये फिर हमारा उन को लोटवा दे वो लोग नोनीदा उस बच्चों से ले लिया वो कलेक्ट कर लिया बोले नहीं सबको दे दो ये तुम, तुम लोग का काम का नहीं है तुम लोग जो Uh, कोयला ले तो उसको लो नोनी देख तो थैला में रखा उसको लेकर के सीधे नंदन चला गया नंदन मतलब ऑफिस में हमारे कला भवन ऑफिस में कौशिक प्रिंसिपल कौशिक दा को बताया कि देखिए किंकरदा का, का काम क्या हुआ कि किंकर अपना घर सफाई को चलते पूरा सामान को बाहर फेंक दिया उसमें मेडल फेडल से लेकर के अपना बहुत कुछ मे बी द क्या बोले उसको पद्मश्री सर्टिफिकेट सब कुछ उसी में है तो अरे वो चीज को कोशिका लेने का बात एकदम नहीं उनको बताने का भी जरूरत नहीं हम लोग इसको म्यूजियम में रख देते नंदन मतलब कलाभवन आर्काइव में उसको रखवा रख दिया तो हम लोग हंस रहे थे बोल रहे थे देखिए ये कोई सोच सकता है तो ये क्रिएटर हु डजन बॉदर अबाउट जो भी है क्या मिला क्या नहीं मिला मतलब वो भी पता नहीं चला उनको घर में उनका सर्टिफिकेट्स उनका मेडल्स वो भी एज ए कचड़ा हिसाब से फेंक दिया मतलब अचीवमेंट्स के बारे में भी उनको कोई रुचि नहीं कोई, था कोई कुछ नहीं कुछ नहीं नथिंग वो कंट्रीब्यूशन करते थे क्रिएट करते थे सोचते मतलब पूरा उनकी ध्यान उधर ही था उधर उधर ही था उधर ही था कौन क्या दिया क्या नहीं दिया वो नेवर बॉदर तो उस अगर वो चीज होते तो तब तो ये हम लोग को मतलब इस जमाने में जो मॉडर्न स्कल्प्टर का हिसाब से किंग करदा को तो हम लोग देख नहीं पाते थे ये सही बात जो एक का ऊपर एक मतलब शांति निकेतन को मतलब क्या बोलते हैं उसको ब्यूटीफाई करते गए विथ ए हाईली क्रिएटिव स्कल्पर थे, थे। जो टेगोर ने उनको एनकरेज करते गए थे उस समय दादा इनके काम के बारे में मैं एक एक, एक या दो चीज जानना चाहूंगा <coughs> किंकर दा की जो स्कल्पचर्स थी या उनकी जो आर्ट पेंटिंग्स थी वो उसको अगर बड़ा आर्टिस्टिक लैंग्वेज में कहा जाए तो कंटेक्सुअल मॉडर्निज्म में आता है मतलब इसकी डिफाइन अगर करना कंटेक्सुअल डिफाइन करना है तो बहुत सरल भाषा में अगर कहना है तो जीवन के सरल और सहज अनुभव जो है सिचुएशन जो है सामान्य सिचुएशन को वो उसकी भाव और उसकी एनवायरमेंट की एबस्ट्रैक्शन को लेके वो पूरा करते थे right. मतलब उनकी स्कल्पचर या उनकी पेंटिंग्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये तो सामान्य जीवन है जो मैं रोज देखता हूं मजदूर है खेती बाड़ी करने वाला है माँ अपने बेटे को लेके ऐसे जा रहा है ऐसा मतलब वेरी सामान्य जीवन को वो इतना खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करते थे उस एनवायरमेंट की जो एब्स्ट्रैक्शन है उस भावना को अनुभव को वो लाते थे मेरे ख्याल से उनकी इतनी बिकॉज़ वो उस जीवन को उतना सिंपल तरीके से जिए हैं इसके लिए वो अपने कलाकृति में ला सके उसमें आप आ, आ, आप उनके साथ देखे हैं रोजमराना ऐसा देख रहे थे जब आप उनके साथ तो उनकी काम में उनकी लाइंस उनकी स्ट्रोक्स में इतनी सिंप्लिसिटी के बावजूद इतनी पावर है उसमें इतनी ताकत है उसमें उसके बारे में कुछ बताइए ना मतलब वो उसके बारे में क्या बोलते थे वो लाइंस के बारे में फॉर्म्स के बारे में वो आर्ट के बारे में वो एब्स्ट्रैक्शन कैसा लाना चाहिए उसमें ताकत वो कैसा आप लोगों को ज्ञान बांटते थे क्या अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करते थे उसके बारे में थोड़ा बताइए Uh, मेरा सीमित लैंग्वेज में लिमिटेड लैंग्वेज में मेरा जो फीलिंग्स है बिकॉज किंकरदा का काम को बारे बहुत कुछ किताब भी निकल गया बहुत बड़ा बड़ा हिस्टोरियन कैन एलेबोरेट इन इन अदर वे एक एक डिफरेंट uh, uh, उनका लैंग्वेज हो सकता है लेकिन मेरा जो अनुभव रहा मेरा जो मेरा जो अभी तक भी अनुभव है क्योंकि किंकरदा uh, का जो लाइफ है लाइफ इज अ वेरी बोल्ड एंड वेरी मच वेरी सिंपल वेरी सिंप्लिसिटी का जो मतलब मैक्सिम सिंप्लिसिटी का लाइफ स्टाइल स्टाइल अबाउट अचीवमेंट नथिंग तो उनका हमेशा ध्यान रहता था हनका सृष्टि का बारे जो भी ध्यान रहता था क्योंकि वो भीतर का जो रस होता है कोई भी एक मतलब फॉर्म का Form, तो आउटर फॉर्म को वो एलिमिनेट करके भीतर का जो फॉर्म भीतर का जो रिदम भीतर का जो फोर्स भीतर का जो मतलब प्लास्टिक क्वालिटी वो निचोड़ के वो कोशिश करते थे तो उसके एक्सप्रेस करने का और दैट वाज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन मेरा नजर से क्योंकि वो और एक चीज उसमें कभी हाई एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है जो हम लोग का समझ का बाहर तो बहुत कुछ एक सेमी रियलिस्टिक फॉर्म को कहीं कहीं इलांगन फॉर्म दे करके उन्होंने जो मसल से लेकर सबसे बड़ा चीज है उन्होंने जो फिगर जो संताल परिवार का जो बड़े बड़े मोन्यूमेंट स्कल्पचर है वो देखने का बाद लगता है कि ये लग रहा है उनका जो एक एक बॉडी मूवमेंट का जो रिदम है बॉडी मूवमेंट का जो लक्षर है जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो उन मतलब क्या बोले उसको ओ, हनी और मधु जैसा झर रहा है मतलब माने हाइली एक्सपोज्ड वो वो किसी को मतलब क्या बोले समझाने का जरूरत नहीं है कोई भी एक उन, क्योंकि उनका उन्होंने जब काम करते थे वो बड़ा बड़ा स्कल्पचर मॉन्यूमेंट्स स्कल्पचर तब उस रास्ते से ना बहुत कोई संताल परिवार संताल फैमिली और वो लोग भी उसमें आना जाना करते थे उन लोग भी आकर वो लोग आकर, आकर देखते थे एक बार एक घटना है जो वो उन्होंने आ, आ, मतलब काम करने का समय आ, कुछ वो लोग काम देख करके कर बोला अरे बाबू ये तो तुम देवता बना दिया देवता बना दिया मतलब थोड़े से जो ओरिजिनल हा, जो हाइट है मतलब लाइफ साइज जो फिगर है मतलब उससे थोड़ा बड़ा बनाया तो किन करदा बोला हाँ तुम लोग को तुम लोग का ये देवता लगा वो किन एंजॉय करते थे उन लोग का एक्सप्रेशन क्या था मतलब वो काम देख करके उन्हीं उन्हीं लोग का फिगर बना रहे हैं वही लोग मतलब जा रहा है दौड़ रहा है

उसको मतलब कोई बोल नहीं सकता है जिसमें किंकरदा का मॉडर्न एजुकेशन का बारे कोई नॉलेज नहीं है कि वो नहीं है Highly, वो जो ही क्रिएटर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न लैंग्वेज इन आर्ट ये हम लोग कर सकते हैं तो और एक चीज उसमें जरूरी होगा क्योंकि बहुत कुछ पेंटिंग्स पे किंकर जब बनाते थे mm -hmm. कि आ, उनका मूड ये जो मूड क्या है वरा बड़ा इंटरेस्टिंग मूड है उनको मन हुआ अभी एक पेंटिंग बनाने का तो अचानक घर में आकर बोले थोड़ा सा आ, आ, वो घर में रहते थे आ, उन्होंने हेल्प इन ऑल लाइफ तो राधा रानी को बोले राधा रानी थोड़ा सा लिंसित तेल लाओ तो आए तो अभी पेंटिंग होगा करेंगे तो राधा रानी बोले जो लिंसित खत्म हो गया बोले रिंसित खत्म हो गया तो सरसों का तेल है घर में सरसों तेल लाओ तो कुछ कुछ पेंटिंग में उन्होंने सरसों का तेल भी यूज कर दिया क्या क्या बात था इविन रंग का साथ सरसों तेल यूज किया और आ, कुछ कुछ जगह पर जैसे कैनवास का ऊपर वो गोंद और दट सैंड और कंकर बोलता है बीरभूम में ना एक लाल टाइप कंकर मिलता था अभी अभी पता नहीं मिलता है कि नहीं क्योंकि तो अभी तो हर जगह में कंक्रीट का जंगल हो गया तो लाल कंकर मतलब जो छोटा छोटा स्टोन पेबल्स एंड गोंद मिला करके उसको कैनवास में लेयर दे करके तब वो काम करते थे बहुत काम ऐसा हुआ लेकिन ही वाज नॉट मतलब सीरियस uh, uh, मुझे लग रहा है कि ये काम जिंदगी भर एक जनरेशन का बाद एक जनरेशन वो हिस्ट्री बन जाएगा वो ही डजन बॉदर क्योंकि वो मूड आया वो काम करने गया तो सरसों तेल और रंग का साथ जो अगर काम करेंगे वो तो लास्टिंग कितना दिन होगा नोबडी नोज बाद में पता चला मॉडर्न आर्ट गैलरी का म्यूजियम में ये उन लोगों वो लोग लो परेशान हो गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब उसका रेस्टोरेशन कैसे करेंगे दैट वाज द वेरी रिसर्च का विषय हो गया क्योंकि उस समय वो मूड आया इसी मीडिया uh, uh, में काम करते गए वो वो कभी नहीं देख सोचा जी मेरा पेंटिंग म्यूजियम uh, में रहेगा कि मेरा पेंटिंग uh, हजारों साल तक रहेगा वो कभी नहीं hmm. सोचते उनका मूड आया काम करते गए सृष्टि करते गया दैट वाज किंग कर्दा एक्सेलेंट दादा आपने ये बताया एंड आप उनके काम के रिदम के बारे में जो बोलते हैं बहुत सही है क्योंकि उनके काम में दो चीज बहुत उभर के दिखता है एक मूवमेंट yeah. मतलब एक सामान्य मा, मानुष का एवरीडे लाइफ की जो मूवमेंट है आना जाना बैठना उठना काम करना ऐसा करना मतलब डेली का मूवमेंट एंड उस मूवमेंट में पोस्चर या yeah. अगर वो चल रहा है तो उसका बॉडी मूवमेंट कैसा होगा वो काम कर रहा है खेती में काम कर रहा है सब बच्चा उठा रहा है मतलब यू नो मूवमेंट भी है पोस्चर भी है उसमें एंड yes. yes. ये दोनों चीज को उन्होंने सिम्प्लीफाइड सेमी एब्रेक्ट तरीके में उसकी पूरी लाइन की ताकत बरकरार रखते हुए उन्होंने बनाया था उसमें uh, उनके कामों में वो दिखता है आज भी दिखता है उसमें एंड मे बी दैट इज द रिदम दैट इज द पावर तो आप कभी उनको काम करते हुए देखे हैं उसमें देखे तो आपको कैसा लगा तो आपको उस टाइम को फीलिंग कैसा वो स्कल्पचर बनाते हैं ड्रॉइंग बनाते हैं सब तो आपको वो जब लाइन खींचते फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जो भी ऐसा मतलब मुझे पसंदीदा आर्टिस्ट जब भी काम करते तो मैं यूजुअली जाके स्टार्टिंग को बैठता हूँ देखने के लिए क्योंकि मुझे वो स्टार्टिंग का लाइन कैसा ड्रॉ करते वो कैसा तोड़ते है उसमें वो लाइन का रिदम कैसा लाते है उसमें मुझे वो चीज देखने में बहुत मजा आता है मेरे को वो फाइनल पेंटिंग तो बाद में की बाद में की रहती है तो आपके कुछ अनुभव है ऐसा नहीं, आपके आ, हाँ, नहीं, ए, आ, ऐसा नहीं ये पेंटिंग आपने जब पे, श्टूडियो, अपने स्टूडियो में अपना घर में जब काम करते थे ऐसा पेंटिंग देखने को मेरा सौभाग्य नहीं हो पाया नहीं। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट मैं जरूर बताऊंगा तब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर ओके सेकेंड ईयर में किंकर दा हमारे कैंपस में आकर के स्कल्पचर स्टूडियो में हम लोग मॉडलिंग टूल में जो छोटा छोटा सब सेकेंड ईयर स्टूडेंट लोग सब मॉडलिंग बना रहे हैं मिट्टी का तो अपना अपना कंपोजिशन सब मिट्टी का डिफरेंट हाइट में बना रहे हैं बगल में हमारे एक सीनियर दादा थे वो मे बी हिज नेम इज गिरीज बोड़ा आई थिंक सो मैंने अगर लग रहा है मतलब याद नहीं आ रहा है गिरीजा का फोर्थ स्टूडेंट लाइक दैट तो उस समय गिरिजा बगल में वो एक तो बहुत दिन से देख रहे हैं बहुत सुंदर एक तो घोड़ा और एक तो सवार बना रहा है okay? mm. तो करदा आया हम लोग का टेबल में चारों तरफ घूम गुम गया घूमने का बाद गिरिजा का वहां टेबल में सामने गया तो गिरिजा से पूछा क्या बना रहा है अपना बंगला में पूछा क्या बना रहा है तो गिरिजदा बोला वो घोड़ सवार कि घोड़ सवार मतलब दौड़ रहा है तो बोला घोड़ा घोड़ सवार बना रहा है तुम्हारा घोड़ा दौड़ रहा है लेकिन घड़ों का ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो स्टील है वो तो नहीं दौड़ रहा है वो तो चुपचाप बैठा हुआ है घोड़े अगर घोड़ा अगर दौड़ रहा है तो घोड़ा के साथ तो आदमी को भी तो दौड़ना चाहिए क्या बनाया तुम ये तो पुतला बना दिया यू आर मेकिंग ए डॉल नो स्कल्पचर करके इसे डायरेक्ट बोल दिया बोलने का बाद वो तो गिरिश दर चुप क्या बोलेंगे कोई जवाब नहीं है तब किंकर बोला उनको हटा दिया बोला हटो आ, लेकिन इतना दिन से गिरिजा ने बनाया जो बड़ा सुंदर मतलब फिनिशिंग करके हाईली वो जो मॉडलिंग नाइफ से पॉलिश करके एकदम चिकनापन एक तो डॉल जैसा बनाया उसका बाद किंकर पूरा हाथ को थोड़ा सा ऐसा मतलब वो अपना फुल शर्ट को थोड़ा सा ये कर लिए टाइट करके देन एक तो पंजा ऐसा लगा करके पीछे से मारा घोड़े का पीछे से जब मारने का बाद देखा घोड़ा हम लोग का एकदम आंखों का सामने आ, जी ये दैट वॉज आवर एक्सपीरियंस कि वो घोड़े लग रहा है वो आदमी घोड़े को लेकर के बेंट होकर के दौड़ रहा है क्या बात है सच एक एक बॉक्सिंग में क्या एक फोर्स ला दिया सब कुछ ठीक है नथिंग जस्ट एक फोर्स एक बॉक्सिंग उसमें पीछे से मारा एक धप्पा घोसा और घोड़ा आदमी दौड़ने लगा एकदम लग रहा है मतलब बोले जाओ ओके तुम्हारा तुम्हारा घोड़ा दौड़ रहा है अभी मतलब आदमी भी दौड़ रहा है अरे हम लोग लग रहा है अभी वो 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 मतलब मतलब खड़ा हो गया तो वो देख करके मूवमेंट मतलब वो 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 ला... हर चीज में मूवमेंट ड्रॉइंग ठीक है ड्रॉइंग कभी कभी हम लोग हाईली कॉन्सियस हो जाते हैं ड्रॉइंग एनटोमी एवरीथिंग में उसमें क्या होता है ना वो मूवमेंट का जो लक्षर मूवमेंट का जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाता है इसको मेंटेन हैं लेकिन जब हम लोग क्या बोले उसको मूवमेंट जिसको रिदिम लाना है तब तो कभी कभी कुछ कुछ ड्राइंग को भूल जाना चाहिए जो वो मुझे लग रहा है वो तब ड्राइंग को नहीं देखा ऐसा मारा वो ड्राइंग का साथ वो मूवमेंट आ गया कम्प्लीट तो, मतलब ये पूरा ये पूरा उनकी एक क्या बोलते हैं वो एक पर्सनल जजमेंट थी वो पर्सनल जजमेंट yes, yes. देखने की सूक्ष्मता सेंसिटिविटी ऑफ द आई या 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 देखा कि ये लाइन ये मोशन ये नहीं हो रहा है तो इसको एक घुसा मार दो इसकी पोस्टर बदल जाएगी वो दौड़ने लग जाएगा खत्म खत्म लेकिन आर वो घुसा घुसा मारने का जो आ, मतलब आ, क्या बोले उसको क्वालिटी है अगर घुसा मार तो 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 जाएगा उसमें इतना फोर्स में कितना किधर मारना है घुसा वन yeah. एक एक घुसा पूरा yeah. फीलिंग आ गया दैट वो वो मॉड वो क्या डॉल से आइडल मतलब क्या बोले पुतला से वो स्कल्पचर बन गया ये क्या बात है क्या बात है विद इन स्ट्रोक क्या yeah. इसमें और एक चीज एक छोटा सा इंसिडेंट बताना हाँ, अच्छा होगा ये मेरा उस समय एक सीनियर दादा थे शिल्पीदा करके बहुत सीनियर थे हम लोग को वो कभी कभी हम लोग को स्टोरी बताते थे किंकर दा का एक उसमें से एक छोटा सा घटना बताना चाहूंगा उन्होंने बड़ा अच्छा चीज बताए थे किंकर दा जब वो जो संताल का एक बड़ा स्टैचू आप पता नहीं देखे कि नहीं उसमें है बहुत बड़ा स्टैचू है उसमें दो संथाल लेडीज वो वो दौड़ रहे मतलब दौड़ के जा रहे मतलब क्या है जो दूर में उनका जो आ, कल का क्या बोलते उसको मील कपड़ा का मील हो और राइस मिल में वो लोग काम करते थे ओके तो उन लोग का समय हो गया घर से निकलने में देर हो रही है बच्चों को संभाल करके संथाल का जो सब होता है ना कि देर हो गया 9 बज गया कि 8 बज गया जो भी समय हो गया उस समय में लेकिन समय ना एक अभी का समय में तो वो मोबाइल और घड़ी सब नहीं था उस समय मिल में मतलब जहां काम करते वहां एक तो वो सिटी साइरन बजता था वो बजला मतलब ऑफिस चालू हो गया ओके मिल का टाइम हो गया नौ बजा की आठ बजा की दस बजे एनीवे तो वो वो आवाज का आ, मतलब रेस्पॉन्स को लेकर के बड़ा सुंदर स्कल्पचर है।, है उसको है उनका नाम भी है कॉलर डार्क मतलब कॉल मतलब जो मिल कॉल का जो साइरन है सायरन बज गया अभी चलो हम लोग वहां काम करने निकले तो उनका देर हो गया वो दौड़ रहा है तो दो आ, फीमेल मतलब अपने दौड़ रहा है दौड़ने का एक कॉम्पोजिट तो उसमें जब चीज बना बनाते समय ये हमारे सीनियर दादा ने बताता था वो उस समय स्टूडेंट तो बोला जी एक समय उस समय एक चीज ये था सबका मन में कि नंदलाल बोस एंड राम किंकर का दोनों का रिलेशन वॉज नॉट सो फेमिलियर मतलब बाद में रिलेशन कुछ थोड़ा सा ये हुआ था हाँ uh, थोड़ा सा, थोड़ा सा थोड़ा सा ये रिलेशन ये नहीं था मे बी मे बीकर वॉज द स्टूडेंट ऑफ नंदलाल बोल डायरेक्ट तो गुरु गुरु शिष्य का परंपरा का जो रिलेशन है वो कैसा है वो बता रहे थे देखिए hmm. हम लोग गलत धारणा कर लेते हैं कि किंकरदा का साथ क्या रिलेशन है किपिंग करता वाज वेरी बोल्ड एंड मुंह में जो आता था बोल देते थे तो वो दोपहर को नॉर्मली किंग काम करते थे और दोपहर को काम करना मतलब जी हाई एकदम गर्मी का सीजन में मई जून महीना में माथा में एक तो गमछा लगा करके हाई हीट टेम्परेचर में उन, उनका काम का मूड आता था तो वो हमेशा वो काम करते थे, थे उस समय तो काम कर रहे मोटा मोटी वो दोनों जो फीमेल बॉडी है फीमेल स्ट्रक्चर है उन्होंने ऑलरेडी अबाउट टू फिनिश उसमें क्या है उसमें जो आ, जो हेड जो है मतलब फीमेल का जो हेड का एक्सप्रेशन दोनों का मुंह सामने तरफ है ओके okay? Mm. दोनों सामने mm. देख रहा है mm. तो नंदलाल बसु समय अपना स्टूडियो में काम करते वक्त वो हमेशा जब लौटते थे उस समय आ, वो मूर्ति बहुत बड़ा मूर्ति है मतलब मोर देन मैन हाइट बहुत बड़ा तो नीचे से वो हमेशा उसी रास्ते से क्रॉस करके अपना घर जाते थे किंकर दैक तो ये नंदलाल बोस लाठी ले करके धीरे धीरे जा करके लेकिन हमेशा नंदलाल बोस बोलते थे वो मूर्ति को नजर करते थे और किंकर दा जब ऊपर में माचा माचा बना हुआ है ऊपर में चढ़ करके काम करते थे तो एक दिन हुआ क्या ऊपर में किंकर दा टुक टुक करके काम कर रहा है और नंदलाल बोस नीचे से धीरे से बोल रहा है कि ये जो जो सेकंड वाला औरत मतलब फीमेल फिगर है उसका मुंडी थोड़ा सामने ना करके अगर थोड़ा पीछे घुमा देता तो ये अच्छा होता बांग्ला में धीरे धीरे लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं बोला कोई ऑर्डर नहीं किया कुछ बोला ऐसा करो ऐसा कुछ नहीं बोला वो अपने बोलते बोलते अगर वो ऐसा थोड़ा पीछे घुमा देता ना तब अच्छा होता करके नंदलाल बोस धीरे धीरे चला गया उसका क्या वाकि लेकिन उनको ये उनका साथ हमेशा काम करते थे वो हेल्पर हिसाब से बागालदा करके जो मिट्टी उट्टी देते थे सब कुछ उनका भी ये एक्सपीरियंस से वो, वो बोले थे तो किंकर ऊपर से बोले हाँ हमको ज्ञान देने आए हैं मतलब अपना तम घर जाओ अपना काम करके तुम जा रहे हो घर जाओ तुम हमको ज्ञान माप दो ऐसा करके किंकरदा धीरे धीरे भिड़ भिड़ करके बोला ओके तो अपने मन से बोल रहा है अरे बागालदा ये सुना था तो बोला जाओ अपना घर जाओ तो हमको ज्ञान देने आया तो देखिए उस समय मुंह में अपने बोला लेकिन दोनों मतलब दोनों का बात नहीं सुना लेकिन अपने आपस में दोनों बोलते गया लेकिन दोनों क्या बोले इनविजिबली वो सुन लिया दोनों को Correct. दोनों को बात करेक्ट नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे मतलब बोला रात को आ, मतलब इवनिंग इवनिंग इविनिंग होगा न, 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 उस उस समय स्टूडियो छोड़ करके घर चले गए थे धम धम करके हाथोड़ी चला रहा है वो जो एक एक लेडी का ऊपर डायना तरफ वाला जो लेडी है ना जहां पर जिसका मुंडी सीधा था वो गर्दा गला में उसका हाथोड़ी मार रहा है और नहीं? ये लोग स्टूडेंट लोग बाहर आकर देख रहे हैं किंकर मुंडी को तोड़ रहा है क्या बात है तो वो सुनने का बात का मन में लगा जी हाँ ये तो बात सही कहा उन्होंने कहा उसको द, मतलब मुंडी में थोड़ा हथौड़ी मार करके ना उसको गला को तोड़ करके मुंडी को घुमा दिया मतलब पीछे तरफ घुमाया थोड़ा थोड़ा साइड प्रोफाइल कर दिया करने का बाद उसको पूरा सीमेंट से रिपेयर करके उतर गया वो जो उसका बाद नेक्स्ट डे बोला और एक दिन जब नंदलाल बोस उस रास्ता में जा रहा है ना बोले वो नंदलाल बोस का वो एक्सप्रेशन देखने लायक था जे उनका शिष्य ने क्रिटिसाइज किया था उन्होंने नहीं सुना लेकिन उनका बात सुनने का बाद जो करेक्शन कर दिया वो पूरा कल्चर में लाइफ आ गया वो जो मूवमेंट नंदलाल बोस ने वो थोड़ा मूवमेंट का एक तो एग्जांपल दे दिया थोड़ा टिल्ट का अगर कर देता इसमें जान आ जाता इस टाइप का तो एक उसमें दो लेडी है उसमें एक लेडी का मुंह सामने हार एक लेडी थोड़ा सा पीछे तरफ देख रहा है रिलेशन बिटवीन द गुरु एंड शिष्य ये जवाब कौन कहेगा चाहे उनका रिलेशन अच्छा नहीं था <laughs> बड़ा दादा मजेदार था ये ये बड़ा अच्छा लगा था हमको ये सुन दादा ये किंगकरदा मैंने सुना है कि किंगकरदा वाज वन ऑफ द बेस्ट और ब्रिलियंट टीचर्स भी थे जिनके साथ जो स्टूडेंट्स लोग सीखे हैं वो आज बड़े-बड़े कलाकार हो गए मतलब वो ऐसी क्या चीज थी जो वो ट्रांसफर करते थे अपने विद्यार्थियों को बिकॉज़ ही वाज अ डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ नंदलाल बोस जो और एक बहुत बड़ा दिग्गज मास्टर है खुद yeah. तो, तो मतलब नंदलाल बोस का शिष्य रामकिंकर दा एंड रामकिंकर दा के शिष्य जो भी बने हैं वो सब के सब बड़े कल। तो yeah. ऐसी क्या ज्ञान थी जो उन्होंने बांटा अपने शिष्यों को कि आपको क्या लगता है आपका क्या अनुभव है मेरा नजर से उनका दा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दादा सॉरी टू कट यू मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल के आर्ट कॉलेज में अगर मैं देखता हूँ क्या वो उस तरह के इंस्पिरेशन दे पाते हैं क्या उस तरह से वो एक शिष्य को विद्यार्थी को बना पाते कि जो आगे चल के इतना बड़ा इन्हों, एक कलाकार बनेगा ऐसा वो स्पेशलिटी क्या थी उनमें जो वो अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करते थे बोलते थे या उनमें वो ऊर्जा देते थे आ, ये ये बहुत बड़ा आपने जो टाइम किया ना ऊर्जा ये ऊर्जा क्या है ना मतलब मेरा ना मेरा ये मेरा फीलिंग है मे बी समी में डिफर कि ये ऊर्जा कम बेसी होता है मतलब हम हमेशा जैसा दो उसमें दिग्गज शांति निकेतन में मेरा आ, मेरा नजर से ये है एक है विनोद बिहारी मुखर्जी विनोददा और राम किंकर देवर द अनदर पिलर ऑफ द मॉडर्न मॉडर्न कला भवन और इवन यू से द मॉडर्न आर्ट ऑफ इंडिया का दो पिलर mm -hmm. तो विनोददा mm -hmm. का काम विनोददा का लाइफ विनोददा का लाइफस्टाइल विनोददा का शैली जो भी है वो mm -hmm. बड़ा शांत बड़ा धीर गति बड़ा कैलकुलेटिव मेरा नजर mm -hmm. से और mm -hmm. किंगकरदा वाज का जो ऊर्जा किंकर जो शक्ति शिव शक्ति जो mm. था वो like का लहर बहुत mm. बड़ा एक लहर जैसा एनर्जी उनको फ्लो होता था mm. वो, वो शांति निकेतन में उस समय मेरा नजर से कि जो एक शैली चल रहा था कि बहुत धीरे धीरे जैसा टेम्पारा पेंटिंग वास पेंटिंग आ, आ, धीरे धीरे बहुत सा, लाइन ड्राइंग्स क्या ना बड़ा स्लो एक नदी का स्रोत जैसा धीरे 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 चल रहा था बह रहा था एक एक mm. मतलब से एज एन एग्जांपल आई कैन से तो नदी का पानी अपने आप में चल रहा है मतलब बह रहा है उसमें म्यूजिक है उसमें साउंड है उसमें स्मेल है उसमें मतलब चिड़िया भी पानी पी रहा है मतलब एनिमल्स भी पानी ले रहा है मतलब सब कुछ मतलब आदमी भी नहा रहा है सब कुछ हो रहा है उसमें नदी का पानी बह रहा है mm. आद, का जो शैली था वो समुंदर का लहर मतलब मूड आया एकदम बहुत बड़ा सा तूफान जैसा लहर आ करके तो काम करके उसको निकल गया तो ये दोनों का एक मुझे लग रहा है जो स्टूडेंट था नेक्स्ट स्टूडेंट उन लोग में भी दोनों का एक क्या बोले लहर आ, का एक

मतलब मुझे लग रहा है किंकर दास से बहुत कुछ लिया होगा और बहुत कुछ स्टूडेंट जो है ये ये मेरा स्टडी है बहुत कुछ स्टूडेंट है जो विनोद नंदलाल बोस का जो बाकी मतलब बाकी जो शैली है उस शैली से ग्रहण करके अपना काम को आगे बढ़ाया तो ये दोनों एक कैरेक्टरिस्टिक एक डिफरेंशिएट आप कर सकते हो कि किंकर का जो काम है हाईली बोल्ड तो व, 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 सॉरी बोल्ड एंड क्या बोले उसको uh, एकदम समुद्र का लहर जैसा हाँ एनर्जेटिक फुल ऑफ एनर्जी लेकर के काम काम हाँ बाकी सब है कुछ कुछ कैलकुलेशन करके और होता है ना कि ठीक है मेथड एंड मटेरियल में बहुत कुछ हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है एक अगर टेम्परा बनाओ तो उसका बहुत कुछ लॉन्ग प्रोसेस है उसको पहले ग्राउंड तैयार करो उसका रंग बनाओ करते करते नेचुरल कलर उस समय नंदलाल बोस uh, का जो शैली थे वो सब करते करते वो एनर्जी रखने को लिए भी मेंटेलिटी होना चाहिए इसीलिए क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कुछ उस ग्रुप का था क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स जो था किदा का शैली ऊपर का था तो इसीलिए वो दोनों को उस हिसाब से डिवाइड करते गया। so boldness, boldness word, उनका जो था वो लेकर का बहुत बलबीर दा बलबीर सिंह कट का जो काम है आप देखोगे उनका काम किंकर का एकदम उसी शैली में काम करते थे उन्होंने ऐसा बहुत कोई ये क्या बात है आपको मिलेगा तो मुझ ये मेरा फीलिंग है मतलब एक्सेलेंट या नहीं मैं समझ सकता हूँ मैं समझ सकता हूँ उसमें एंड uh, दादा आप भी आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं आपका बॉडी ऑफ वर्क आपका काम जब देखता हूँ आज आप इस कंटेम्प्रेरी दुनिया में आप देखते हैं आज के कलाकार की सिचुएशन और आपने 25-30 साल पहले इन बड़े बड़े दिग्गजों के साथ भी काम किए हैं इनके साथ सीखे हैं इनके ऐसा कोई सिचुएशन है दादा आज के टाइम पे जो आप मिस करते हैं किंकरदा को कि सेइंग ऐसा सिचुएशन में किंकर होता तो शायद बात अलग ही होती है ऐसा कुछ कभी सिचुएशन में कभी लगा ऐसा कभी फील हुआ मेरा हमेशा एक फीलिंग होता है कि पूरा भारत में ये ये मेरा आ, क्या बोले एक, एक सोच है मेरा दुख भी है यू कैन से कि भारतवर्ष का बहुत जगह पर बहुत कुछ मूर्ति बनते जाता है मूर्ति बन रहा है और एक समय ऐसा भी था कि किंकरदा जब एक्टिव थे किंकरदा बहुत बार बोल भी चुके थे जे मुझे कुछ सीमेंट और बालू और कुछ रॉड दे दो हम पूरा जगह को सजा देंगे ये और कुछ नहीं कुछ नहीं मांगा था तो उनका मुंह से ये निकला था हमको कुछ दे दो सीमेंट दे दो बालू दे दो रॉड दे दो हमने पूरा जगह को आ, मतलब स्पेशली कैलकाटा में उनका बहुत आ, मतलब उनका आ, एक दो जो इवन हाल ही में नेताजी का जो अभी स्टैचू बना बन रहा है तो उस सिलसिले में अभी याद आ रहा था कि उन्होंने एक लेआउट बनाया था कैलकाटा में कहीं पर आ, मतलब सीएमडी उस समय था सीएमडी तो उस लोग ने एक तो कॉल किया था लेआउट्स का तो उसमें एक आ, नेताजी जस्ट घोड़े के ऊपर बैठा हुआ एक तो लेआउट था मतलब मार्केट वो मार्केट हम लोग बहुत दिन देखे जो हमारे स्कल्पचर स्टूडियो में रखा हुआ था तो कितना फोर्स फोर्स है उस मार्केट में छोटा सा मार्केट प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ उस समय सुना सुने थे हम लोग की दैट वाज बीइंग रिजेक्टेड बाय द अथॉरिटी बाय मिनिस्ट्री तो ये महसूस होता है कभी फील होता है दुख का बात है कि ये हम लोग कितना बड़ा मिस गाइडेड हो गया है कि किंकरदा का एक कोई बड़ा काम हमारा शहर में नहीं है हमारा कहीं पर आसपास में नहीं दिख रहा है उनको अलग से तो एक म्यूजियम होना चाहिए किंकरदा का म्यूजियम का काम का बारे किंकरदा का शैली का बारे एक अलग सेपरेट म्यूजियम होना चाहिए कहीं पर भी इंडिया का जो आज तक हम लोग एस्टेब्लिश कर नहीं पाए वो, वो बहुत जरूरी है जो नेक्स्ट जनरेशन कम से कम उस चीज को से कुछ हो हो, हो सकते थे तो वो लैक करते है हम बोल। कहीं पर देखो आपका ऐसा है ही नहीं किंकर का ऊपर हाँ दादा ये ये बात आपने सही कही मैं काफी जब बड़े बड़े हमारे दिग्गज सुपर सीनियर्स के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ या उनके बारे में तो लगता है कि एक कितने सारे ऐसे कला साधक होके निकल गए जो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन ऐसा कोई म्यूजियम या ऐसा कोई जगह या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है जो उनकी पूरी कला साधना को उनके जीवन शैली को वहां पर रखे एंड दैट वुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन टुगेदर ऐसा मेरा नजर से तो अभी नहीं आप देखे होंगे कि नहीं पता नहीं है अभी तक हमारे इंडियन कहीं पर मे बी मॉडर्न गैलरी हो मे भी ललित कला एकेडमी हो मे भी एनी कहीं पर का फुल फुल स्टैचू लाइफ स्टैचू तो नहीं है उन... नहीं किसी को बस... पता भी नहीं है नहीं है नहीं है कहीं है। है। नहीं है। पर ही है नहीं तो होना भी चाहिए अभी और कब होगा सही बात है उनके सारे उनके बारे में अलग अलग ओपिनियंस हो सकती है लेकिन वो जो भी है वो एक बहुत बड़ा कला साधक है है उन्होंने बहुत अच्छी आ, 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 इंडियन आर्ट में इंडियन आर्ट की जो उन्नति के लिए या उसकी उसकी भाव में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है जो आगे आने वाले सदियों तक वो एक अच्छा पड़ाव रहेगा यस इट इज लाइक बस उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई आ, 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 इंस्टीट्यूशन आए या ऐसा कोई आए जहां पे सब ये बड़े बड़े दिग्गज लोगों के रखे क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को हमारे पहले वाले दिग्गजों को हम अगर हम भूल गए तो आई एम वेरी श्योर हम फ्यूचर को डिजाइन नहीं कर सकते बाबा दादा वो कहते हैं कि इफ यू फॉगेट योर पास्ट यू विल नेवर बी एबल टू डिजाइन योर फ्यूचर एंड उनकी ऊर्जा उनकी इंस्पिरेशन उनकी जो ताकत थी उनकी जो आ, 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 शैली थी या उनकी जो कला साधना करने की जो आ, एक मनोबल था वो मुझे एंड उस वक्त इतने ऑप्शंस भी नहीं थे इतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी ऐसा yes, मतलब yes. बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई अचीवमेंट्स कोई इसके बारे में फिकर न करते हुए अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन करके चले गए वो चले गए जो जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज किधर तो हमें दिखता है उनको उनके बारे में लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल दे शुड बी गिवन मोर ड्यू रिस्पेक्ट वही 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 हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग अभी तक द एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के जो अथॉरिटी है वो लोग अभी आर्ट कला और डॉल्स ये दोनों को फर्क का समझ नहीं पाया नहीं पाया। हर जगह में देखो आप कहीं स्टैचू बनता है कि कहीं पर पार्क सजाया जाता है कि कहीं पर चौराह पर मूर्ति बनता है वो डॉल बना देता है एक तो एकदम जो टिपिकल जिसमें लाइफलेस डॉल लेकिन उसमें स्कल्पचर होना चाहिए वो, वो डिफरेंशिएट अभी तक हम लोग को दिमाग में नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में भी वही डॉल कॉन्सेप्ट ही रह गया आर्ट का मतलब होता है वही टिपिकल एक, एक रियलिस्टिक जो जैसा होता है ना क्या बोले उसको नहीं वो चीज इवन पेंटिंग में भी है मतलब नहीं है, है लेकिन yes. वो एक एक डेकोरेटिव पीस बन के रह गया यस 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 इट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन सो इट इज नॉट अ पीस ऑफ आर्ट इट इज नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट जहाँ पे आप

प्रयास यही है कि इन दिग्गजों को फिर से याद करके हम जनरेशन को लेके आए उस तरह इज टू गो एंड दादा थैंक यू वेरी मच मैंने आपका बहुत टाइम लिया इसमें नहीं नहीं लेकिन आप आ, आ, लेकिन आपकी बातों से मैं विजुलाइज़ कर सकता हूँ कि आपने आपकी सौभाग्य क्या रही होगी जो उस वक्त शांति निकेतन में या कला भवन में जो आप किंकरदा के साथ रहे एंड आपके एंड डेफिनेटली वो आपके ऊपर कितना प्रभाव कर दिया उसमें हम लोगों के सौभाग्य तो नहीं रही उसमें बट खैर आपसे सुन के uh, वो महसूस करने का तो हमको एक अवसर uh, 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 मिल गया उसमें इसके लिए थैंक यू वेरी मच धन्यवाद वेरी मच थैंक यू फ्रेंड्स आई आई बिलीव दैट यू एंजॉय दिस कॉन्वर्जेशन विद हरेंदा अबाउट राम किंकर बेज And do let us know what you think about this. Like, share, comment, and subscribe RTV. And thank you very much. Dada, thank you very much for being with us. Uh, thank you. Thank you.